हेलो मैडम, क्या हाल चाल है? हाउ आर यू? है गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं जा रहा हूँ सिटी वाली तरफ, कह सकते हैं मतलब जानीपुर वाली साइड। तो वहाँ पे मेरे को देनी है ऐड। अभी क्या ऐड देनी है मेरे को अपनी, क्योंकि मैंने अभी अपना काम खोला हुआ, सीसीटीवी कैमरा वगैरह इंस्टॉल वगैरह रिपेयर वगैरह कुछ भी हो तो मैं कर लूँगा। तो गाइस आइए मेरे पास, मुझे कॉन्टैक्ट करिए मेरे नंबर पर, तो मैं आपको कार्ड दिखा दूँगा बाद में एंड में। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपके घर पर सीसीटीवी कैमरा लगवा दूँगा, मतलब सब कुछ प्रोवाइड कर दूँगा, ऑनलाइन सिस्टम सेटअप वगैरह सब कुछ। तो गाइस अभी क्या है कि अभी चलते हैं यहाँ से, हमने जाना बड़े दूर है हाई कोर्ट वाली साइड भाई, तो वहाँ चलते हैं कराते हैं रजिस्टर, मतलब ना ऐड डालते हैं न्यूज़पेपर पर। गाइस अभी बज रहे हैं 11:30 हो रहे हैं, और गाइस आप देख रहे हो मौसम इतना सेक्सी वाला है, मतलब ना धूप है ना गर्मी है भाई, इतना मज़ा आएगा ना इस टाइम राइड करने में। बट इस टाइम यार कोई बंदा ही नहीं, अकेला कर रहा हूँ, सोलो राइड कर रहा हूँ। तो अभी क्या है, चलते हैं यहाँ से सिटी और देखते हैं सिटी की तरफ तक क्या क्या सीन रहते हैं रास्ते में। तो अभी भाई शुक्र है भगवान का आज गर्मी नहीं है। तो गाइस गर्मी होती है ना, निकलना मुश्किल हो जाता है बाहर, इतनी गर्मी होती है, इतनी खतरनाक गर्मी होती है ना कि बंदा ना बाहर निकलते ही मतलब परसीनो परसीन हो जाता है। बट आज ऐसा नहीं है, आज वो सीन नहीं है क्योंकि आज धूप में नहीं है ना गाइस, बस ठंडा ठंडा मौसम भाई, क्या बात है यार। फाइनली कैसे आयुष नगर पहुँच गया हूँ मैं। तो अभी देखते हैं मुस्कान कहाँ से गई है भाई, वो पता नहीं ना मेरे को, क्योंकि वो मेरे लड़ाई करके निकली है, वो मैंने लड़ाई की, निकल जाए यहाँ से, मैंने नहीं लेना था वो स्कूटी पे। तो अभी देखते हैं कहाँ पहुँची है वो। भाई 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 तेज चलना भी रिस्क है, डर भी लगता है, बट कोई बात नहीं, कंट्रोल है मेरे पास, कंट्रोल मैं कर ही लूँगा। तो गाइस देख रहे हैं वहाँ पर मुस्कान और मुस्कान की फ्रेंड मिल गई है, तो अपनी फ्रेंड के साथ जा रही है। हेलो मैडम, क्या हाल चाल है? हाउ आर यू? चाल है। तो गाइस देख रहे हो मतलब मौजू हंसने लगी वो। चलो कोई बात नहीं, अभी चलते हैं यहाँ से, अभी हमको जाना काफ़ी दूर है। गाइस देख रहे हो अब भाई धूप निकलने लग गई है, अब गर्मी लगने लग जाएगी ज़्यादा, क्योंकि धूप निकल गई ना यार, तो बस फिर माहौल ख़राब। गाइस धूप निकल चुकी है, अब गर्मी लगने लग जाएगी यार, अब तो मेरे लिए आना बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ से। चलो यहाँ से तो ठंडी ठंडी धूप है अभी फिलहाल, तो जब मैं वहाँ से आऊँगा ना गाइस एकदम कड़क धूप रहेगी, इतनी गर्मी वाली धूप, खतरनाक वाली वो भी धूप। तो चलो अभी चलते हैं यार यहाँ से। भाई देख रहे हो लीन, देखो भाई लीन, भाई देख रहे हो भाई टच रहती है बिल्कुल धरती के साथ, ये मेरी भी लो टायर मोटे है ना भाई, ब्रॉड टायर है, तो ये बिल्कुल फ्लैट मतलब धरती के साथ चिपकी रहती है, तो मज़े आते हैं यार चलाने के। गाइस देख रहे हो भाई क्या बात है यार, अभी गांधीनगर की गलियों में घूम रहा हूँ मैं, देख रहे हो भाई मज़े आ जाएंगे यार। अब तो भाई रफ राइड करने नहीं चाहिए कहते हैं, क्योंकि यार रफ राइड से ना यार मतलब मोटर ब्लॉगर के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगी, मतलब बैन कर देते हैं यार ये गवर्नमेंट, तो इसलिए यार रैश मत करो, नॉर्मल मोटर ब्लॉगिंग करो जैसे हम कर रहे हैं। तो भाई इसमें क्या रहेगा कि आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, मतलब सिंपल राइड कर सकते हैं भाई। कहाँ गया था ये बंदा, देखा आपने भाई, डरा दिया बंदे ने, एकदम मुँह के सामने आ गया। गाइस ट्रैफिक देख रहे हो आप भाई लोग, ट्रैफिक देख रहे हो आप, पूरा जम्मू बंद हो चुका भाई, देख रहे हो ट्रैफिक एक्सट्रीम लेवल का ट्रैफिक है भाई, देख रहे हो भाई ट्रैफिक, देखो भाई ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब क्या सीन है, शायद कॉलेज की स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो तभी इतना ट्रैफिक लग गया हुआ है, आप पता नहीं कुछ कह नहीं सकते पक्का कि क्या सीन है। गाइस ट्रैफिक देखो भाई पूरा आगे तक लगा हुआ है, पूरा जाम भाई देख रहे हो भाई, ट्रैफिक हद से ज़्यादा लंबा लगा हुआ है भाई, देख रहे हो भाई कहाँ से निकाला मैंने ट्रक, क्या बोला तूने, ट्रक सॉरी कहाँ से निकाला मैंने ट्रक के भाई, रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है इसी कट्स वगैरह मारने में निकलने में। तो गाइस देख रहे हो इनकी वजह से ट्रैफिक इतना ज़्यादा, कितने लोगों ने पार्क कर दी हुई है गाड़ियाँ यहाँ पे, तो इनकी वजह से ही ट्रैफिक जाम हो जाता है यार पीछे तक। तो गाइस ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी कई बार एम्बुलेंस आती है बख्शीनगर सालामार के लिए, तो गाइस वो नहीं निकल पाती क्योंकि इनकी वजह से ट्रैफिक लगा होता है, मतलब जाम लगा होता है, तो नहीं निकल पाती हमारी एम्बुलेंस, तो पेशेंट की हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो गाइस ऐसा नहीं करना चाहिए, गाड़ियाँ आप साइड पर लगाओ, अंदर लगाओ कहीं पर, बट यार सड़क के बीच में मत लगाओ, क्योंकि यार बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं यार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एम्बुलेंस वालों को और जो पेशेंट्स होते हैं अंदर, तो उनको थोड़ा इसलिए अवॉइड करो सड़क पर गाड़ी। ताज़ी हवाएं तो ऊपर ही है भाई, ये सड़क ख़राब है ना, मैं सड़क को पता कितने मार्क्स देता हूँ भाई, सौ में से मैं इसको 10 मार्क्स देता हूँ भाई। देखो कैसी सड़क है यार, एकदम खटारा सड़क है भाई, देख रहे हो आप कितने खड्डे हैं यार, ये देखो भाई ये देखो भाई कैसे खड्डे हैं यार, मतलब यहाँ पे ना बस मैं इतना कहूँगा कि सड़क को मैं 10 मार्क्स दूंगा 100 में से, बाकी ये सड़क बेकार है यार, मेरे काम की नहीं है। बाकी यार देखो भाई ये देखो भाई इसकी आँख यार भाई लोग, 15 अगस्त तो चला गया भाई, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा क्यों लगी हुई है
भाई डर ही लगता है कहीं जम्मू में बैन तो नहीं हो गया मोटो व्लॉगिंग, यानी कि कैमरा हेलमेट पे लगाना। भाई डर ही लगता है कहीं चलान ठोक देंगे, जिम में है भी कुछ नहीं है, जितने हैं तो वो मेरे ऐड के लिए है। तो भाई सैलेंसर की आवाज़ सुनो भाई, इससे तो चलान है भाई, देखो भाई कितनी ज़्यादा लाउड है भाई, लाउड देख रहे हो भाई, लाउडनेस देख रहे हो कितना ज़्यादा लाउड है, इस पर तो चलान है भाई बिल्कुल। चलान होने के लिए ना हमारे वर्ल्ड में यार टोटल ना मतलब चलान होने के लिए कम से कम ना 80% लोग हैं जो जिनका चलान हो सकता है, और 20% लोग ऐसे हैं कि जिनका चलान नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मतलब पूरी फॉर्मेलिटी वगैरह हर एक चीज़ है। 11 से ऊपर ही 11 टाइम भाई देख रहे हो आप यहाँ पे ट्रैफिक, भाई ट्रैफिक देख रहे हो भाई, हद से ज़्यादा ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। अब वो क्यों रहता है तो पॉपुलेशन की वजह से रहता है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है भाई, देख रहे हो आप ट्रैफिक सामने भाई, क्या बताऊँ यार। तो फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं हाई कोर्ट, तो अभी मेरे को जाना है उसके लिए दिल्ली एक्सेलशियर में जाना है। तो भाई अभी कर लेते हैं इंडिकेटर वहाँ का, पीछे कोई नहीं है, हो जाते हैं यहाँ पे टर्न, भाई आगे से गाड़ियाँ जा रही हैं, बजट वाले जाते जाओ, बच्चा लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे भाई, छोटे छोटे बच्चों को लेके ना बिना हेलमेट के जाते हैं जो लोग, मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता है, बट क्या कह सकते हैं यार, लोगों को हम कहेंगे तो उल्टा हमें ही बोलेंगे। अभी अपने बिलों को लगाते हैं यहाँ पे, भाई इतने खड़क जाती है ना यहाँ बिल्लो खटारे रोड में, छाँव में लगाएंगे भाई अपनी बिल्लो को। फाइनली गाइस मुझे लगा था कि जब मैं वापस आऊँगा तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो फिलहाल तो गर्मी नहीं है यहाँ पे, मतलब नॉर्मल है, छाँव है बट नॉर्मल गर्मी है। देखो ये मैं ये कह रहा था बिल्डर्स वगैरह देख रहे हो भाई, पेंटिंग ही पेंटिंग भाई, अद्भुत भाई क्या बात है यार, हमारे ना जम्मू को ना भाई मैं 5 स्टार देता हूँ, 5 में से 5 स्टार, क्योंकि भाई हमारा जम्मू भी आगे निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। बाकी गाइस जो कुछ लोग हैं ना मतलब आगे नहीं निकलने देते जम्मू को, तो उनके लिए यार हेट है मेरी तरफ से यार, हेट ही रहेगा उनके लिए। बाकी यार सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो यार गाइस, सपोर्ट करोगे ना गाइस हम भी एक दिन वहाँ तक जाएंगे, बट हम किसी को बोलेंगे नहीं, पब्लिक को नहीं बोलेंगे गाइस, पब्लिक की वजह से हम खड़े होंगे तो पब्लिक के ही हम, पब्लिक को ही हम बताएंगे कि नहीं यार हम आपके लिए खड़े होंगे, आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, हमेशा 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 हर रोज़ नया देखने के लिए मिलेगा गाइस, अगर आप सपोर्ट करते हो तो। गाइस देख रहे हो भाई बिल्लो, एक और बिल्लो येलो कलर में। तो गाइस कोई भी मतलब बंदा अगर रेंटा को लेना चाहता है ना गाइस, तो अगर उसको गिराने से टेंशन नहीं है, गिर गई तो टेंशन नहीं है, तो वो ले सकता है पावर के हिसाब से। बट मैं इतना ही कहूँगा गाइस, स्कूटीज़ मत लो, जो राइडर बनना चाहता है यार कोई भी मतलब बाइक्स ज़्यादा रेफर करूँगा कि बाइक लो, कोई भी मतलब राइडर बनना चाहता है या फिर ब्लॉगिंग करना चाहता है तो वो बाइक ही ले, स्कूटर्स मत लें, स्कूटर में बिल्कुल भी पावर सही तरह नहीं निकलती गाइस, जब आप माइलेज भी मतलब ख़त्म है यार, माइलेज भी नहीं है। तो बिल्लों में क्या रहेगा कि, बिल्लो कह रहा हूँ, बाइक्स में क्या रहेगा कि आप कहीं ऑफ रोड भी करोगे तो निकल जाएगी इजीली, और साथ में मतलब माइलेज भी मिल जाएगी भाई, स्कूटर में माइलेज नहीं होता और साथ में ऑफ रोड भी सही तरह नहीं होता, नीचे टच हो जाती है। भाई लो रफ राइड कर रहा हूँ भाई, रफ तो भाई बाइकों में ही होता है, स्कूटर में रफ नहीं होता यार, सीधी सी बात है। जब पिकअप मतलब ओवरटेक कर रहा हूँ ना गाइस, तो ओवरटेक मतलब सही होता ही नहीं यार इसमें, देख रहे हो भाई हर जगह, हर किसी ने एंड्रॉक ले रखी है, हर किसी ने एंड्रॉक ले रखी है गाइस। मैं तो देखो भाई एंड्रॉक ना जब इसकी EMI ख़त्म हो जाएगी ना गाइस, तो मैं इसकी मैं नहीं रखूँगा इसको यार, बेशक ये मेरे 1K करवा के छोड़ेगी, बट मैं ये नहीं रखूँगा गाइस, इसमें बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है यार, तो खड़कती काफ़ी ज़्यादा, इतनी तो बाइक भी नहीं खड़कती गाइस, ठक 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 आवाज़ें आती इसके इधर से कहीं अंदर से, इसमें आगे वाले हिस्से से। वो शिट मेरा मास्क गिर गया, चलो जिस चीज़ का डर था वही हुआ, मास्क गिर गया। अभी चलते हैं यार घर पे, करते हैं कल की तैयारी, कल व्लॉग शूट करना है ना भाई तगड़ा वाला, तो अभी चलते हैं आराम से नॉर्मल राइड करते हुए। गाइस एक बात है यार जम्मू में, यार जम्मू में जो मज़ा है वो गाँव में नहीं है, जो गाँव में जो मज़ा है वो जम्मू में नहीं है, बस एक पर अगर मेरे को गाइस जाऊँ गाँव में, अगर मेरे को नेट मिल जाए ना भाई, नेटवर्क मिल जाए ना वहाँ पे अपलोड करने का सिस्टम मिल जाए ना, तो गाइस मैं ना गांव में ही व्लॉगिंग करूँ, गांव में पता कितना सही है भाई, कितना सही मौसम है दिखाने के लिए, कितनी सही सही जगह हैं दिखाने के लिए, और साथ में मतलब रोड जो ऐसे है ना स्कर्व्स वगैरह, भाई क्या बात है यार OP वाले, तो भाई दिखाने के लिए ना मतलब बहुत कुछ है गाँव वाली साइड, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए, बस हाईवे पे चलो कहीं लॉन्ग ट्रिप होगा तब जाके दिखेगा किसी को, वरना यार ऐसे तो हाईवे पे चलो बस वही है, तो हाईवे पे चल के बिल्कुल मज़ा नहीं आता गाइस, सीधी सी बात है मज़ा आता था सीधा भाई लॉन्ग राइड, या तो कुछ दिखाए दिखाओ दिखता हो ना रास्ते में आसपास आगे पीछे दाएं बाएं, तो फिर बात बनती है भाई, लोग ऐसे कुछ नहीं बनता भाई। भाई सीधी सी बात है यार, सपोर्ट कर लिया करो यार हर किसी को, सिर्फ मुझे नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब जम्मू के जितने भी व्लॉगर्स हैं या मोटो व्लॉगर्स हैं ना गाइस,
हर किसी को सपोर्ट करो और आगे पहुँच जाओ यार, ऊपर तक ले जाओ उनको। और ऊपर तक कैसे पहुँचेंगे वो मैं बताऊँगा आपको। आपको कुछ नहीं करना यार, एक रेड कलर का बेल आइकन दबाना है और साथ में सब्सक्राइब का बटन दबाना है, उसकी वजह से हमको खुशी मिलती है, मोटिवेट मिलता है। तो यार कर दिया करो सब्सक्राइब सबको। तो गाइस फाइनली पहुँचने वाले हम घर भी, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग को लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, हैव अ गुड डे, बाय लोग, तो बाय गाइस।